स्थानीय ग्राम पंचायत टांडाबरूड़ के ग्रामवासियों के लिए एक कचरा गाड़ी का शुभारंभ किया गया। यूं तो 16,000 की आबादी वाले ग्राम में गंदगी को लेकर ग्रामीण काफी परेशान थे। इसी के चलते आज ग्राम पंचायत टांडाबरूड़ में सरपंच गीना अछाले एवं सचिव राजू खान के द्वारा विधिवत पूजन कर चलित कचरा गाड़ी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बरूड थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया, रामचंद्र कुमरावत, पंचगण एवं पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सरपंच गीना अछाले के द्वारा बताया गया कि यूं तो ग्राम में पानी, सड़क एवं मुख्य मार्ग पर गंदगी से ग्रामीण काफी परेशानियां झेल रहे थे, परंतु मेरे निर्वाचित होने के बाद इन सब अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाकर पूरी व्यवस्था पर ही मैंने प्रकाश डाला। वहीं ग्राम के नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि ग्राम में अपने मोहल्ले में एक बार कचरा गाड़ी आएगी। बरूड से जयंत गुप्ता के साथ रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सरपंच साहब, आप आज ये जो कचरा गाड़ी आपने शुरू किया, इसका उद्घाटन हुआ, इस संबंध में क्या कहेंगे? इसके पहले भी लोगों की बहुत सारे मांग थी कि कचरा गाड़ी होना, और पूर्व में भी गंदगी बहुत सारी होती थी, इस कारण से हमने कचरा गाड़ी बुलवाई। और जो मैं सरपंच बना उसके पहले बहुत सारी गंदगी भी रहती थी, और मेरे कार्यकाल में जो सड़क और पानी की व्यवस्था थी वो हमने करी, इस कारण से हमने एक नई सौगात और कचरा गाड़ी से करी। कितनी लागत होगी इसकी? इसकी 2,49,000। मंत्री महोदय, आज ये जो कचरा गाड़ी का उद्घाटन हुआ, इस संबंध में क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत बदूर एक 16,000 आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर प्रमुखतः पेयजल और सड़क की लगातार समस्या बनी रहती थी, और हमारे सरपंच साहब ने अपने कार्यकाल में इन समस्या को काफ़ी हद तक तो कम किया है, लेकिन विगत समय से ग्रामीण में एक नया समस्या का एक बंबार था कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते थे, और ग्रामीणों की लगातार मांग थी कि आप कचरा गाड़ी क्रय करें। हमारे सम्मान्य सरपंच साहब गीना अछाले जी के मार्गदर्शन में हमने एक कचरा गाड़ी करी की। इसके पूर्व ही हमने एक सेग्रीगेशन सेट का निर्माण किया, जिससे कि कचरा इधर उधर ना फेंकना पड़े, सही तरीके से यहाँ से गांव से जो कचरा कलेक्ट किया जाएगा उसका वहाँ पर सेग्रीगेट करके खाद बनाकर उपयोग किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजू खान, सचिव ग्राम पंचायत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।